पुलवामा जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी हा भ्याड दहशतवादी हल्ला झाला त्या घटनास्थळावरून आज सकाळी काय परिस्थिती होती याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी रिफत अब्दुल्ला यांनी. इस वक्त हम लेथपुरा अवंतीपुरा में है जहां पर ये कल फिदाइन अटैक हुआ. मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो स्पॉट है जहां कवर किया गया है इस एरिया को. वहां ही वो गाड़ी है जिसमें ये सारा बारूदी मवाद भरा गया था और उसके बाद ब्लास्ट किया गया. इसमें अभी तक जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं 37 सीआरपीएफ के लोगों की जान गई है. इसमें अब तक का ये सबसे बड़ा फिदाइन अटैक है जब से मिलिटेंसी शुरू हुई 89 से लेकर आज तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है. आप देख सकते हैं यहां पर आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है. अभी भी जांच की जा रही है. इस स्पॉट के इर्द गिर्द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग हैं और अभी बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम भी आ रही है. उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहां पे जांच करेंगे. मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी यहां दूर दूर तक जो है गाड़ियों की जो है चीजें जो है बिखरी पड़ी हैं. गाड़ियों के पीसेस जो हैं ये आप देख सकते हैं अभी भी यहां इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं. अभी इन चीजों की जांच की जाएगी. फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जो लोग हैं वो यहां पे जांच करेंगे. साथ ही जो गृह मंत्री आ रहे हैं आप देखना होगा कि वो क्या कुछ यहां पे किस चीज का जायजा लेंगे. गवर्नर भी जम्मू से श्रीनगर आ रहे हैं. हाईवे पे अटैक होने का एक इशारा दिया गया था लेकिन उस तरह के इनपुट्स अक्सर दिए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को माना जा सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर बहुत हद तक हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा बारूद जो गाड़ी में भरा हुआ था क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये मालूम नहीं चला कि कहीं पे इस तरह की तैयारी की गई है जबकि ऑलरेडी इशारे मिले थे. अब देखना ये होगा कि किन लोगों का इसमें हाथ होगा. अभी सबकी नज़रें इसी चीज़ पे है कि किस तरीके से आगे की रणनीति अपनाई जाएगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या कुछ हिदायत दिए जाएंगे क्योंकि आज तक काफ़ी सारे अटैक्स होते आए हैं और हाल ही में श्रीनगर में एक के बाद एक जो ग्रेनेड धमाके हुए उसकी भी जिम्मेवारी जो है जैश ने ली है. और कल का जिस तरीके से मैं पहले भी बता रहा था जब से यहां पे मिलिटेंसी शुरू हुई 1989 से तब से लेके आज तक का सबसे बड़ा अटैक है जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअल्टी हुई है. 37 सीआरपीएफ जवानों की इसमें जान गई है. कैमरामैन मुश्ताक वार के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, लेथपोरा अवंतीपोरा. तर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील या हल्ल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हाउस द जोश असं म्हणणाऱ्यांनी आता खरा जोश दाखवावा असं राऊत म्हणाले. पाकिस्तानला धडा शिकवू, बदला घेऊ अशा प्रकारची भाषा आमच्या राज्यकर्त्याकडून होते. सर्जिकल स्ट्राईकचे ढोल वाजवणं बंद केलं पाहिजे. ठीक आहे, जरूर आपण उरीनंतर स्ट्राईक केला. सध्या उरी नावाचा सिनेमा चालू आहे, तोसुद्धा राजकीय दृष्टीनं त्याचा प्रचार केला जातो आहे. हाऊ द जोश, जोश आता दाखवा, जोश आता दाखवा.